कुंडली मिलाना है तो सास ननन और बहू का मिलाना चाहिए। लड़कों का क्या है, वो तो भगवान की मर्जी समझकर गुजारा कर ही लेते हैं। खाना खाते वक्त अगर टीवी या मोबाइल पास में ना हो तो खाने का स्वाद ही नहीं आता है। हिंदी फिल्मों में माँ जितना मर्जी करीब क्यों ना हो, उसके पास अपनी बहू को देने के लिए सोने के खानदानी कंगन जरूर होते हैं। इंसान के अंदर की ईमानदारी वहां तुरंत एक्टिवेट हो जाती है जहां सीसीटीवी कैमरा लगा हो। कार में बैठकर फेसबुक पर लाइव आने वाले लोगों में से 80% की खुद की ही कार नहीं होती। गब्बर की ना बीवी थी, ना बच्चे थे, ना कोई गर्लफ्रेंड, फिर लूटपाट किसके लिए करता था? घर में जो औरतें बर्तन धोने से डरती है, वही भंडारे में एक दूसरे से बर्तन छीनकर धोती है। लाओ बहन, मैं कर देती हूँ, पुण्य मिलेगा। लड़कियां 5 रुपए रखने के लिए इतना बड़ा झोला लेकर घर से चलती है, और लड़के 500 हजार तो ऊपर की जेब में ही रख लेते हैं। सोनू मम्मी से, मम्मा अपने पड़ोस वाले आंटी का नाम कितना अजीब है। मम्मी, क्यों, रश्मि नाम में क्या अजीब है? अच्छा तो है सोनू, पर डैड तो उसे डार्लिंग बोल रहे थे। महिला डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मेरा कान देख लीजिए। डॉक्टर, आप गलत जगह आ गई है, मैं डॉक्टर जरूर हूँ पर मैंने संगीत में डॉक्टरी की है। महिला, इसलिए तो आपके पास आई हूँ, मेरे कानों में झुनझुनाहट हो रही है, बताए कि मेरे कानों में कौन सा राग बज रहा है। कल 70 दिन बाद समोसा लेने गया था, कसम से समोसा मुझे देखकर रोने लगा, बोला मुझे लगा मालिक चल बसे। मैंने कहा बस कर पगले, रुलाएंगा क्या, घर चल, साथ में अपनी लुगाई चटनी को भी ले चल। पता नहीं क्यों आजकल के लड़के सड़क पर ऐसे लहरा के बाइक चलाते हैं कि जैसे कोई इच्छाधारी नाग अपने नागिन की मौत का बदला लेने जा रहा हो। किसी के अंदर ज्यादा डूबोगे तो टूटना पड़ेगा, यकीन ना हो तो बिस्कुट से पूछ लो। सोच हमेशा ऊंची होनी चाहिए, इसलिए मैं छत पर जाकर सोचता हूँ। सच्चा दोस्त वही है जो आपको काम करने के लिए तुरंत हाँ कर दे, लेकिन जब काम करने का वक्त आए तो उसका फोन स्विच ऑफ हो। इंजेक्शन से डरने वाली लड़कियां भी शादी के लिए डॉक्टर ढूंढ रही है। आज मेरी शादी की सालगिरह है, पिछले साल आज के ही दिन मुझे शादी का सपना आया था। बचपन में डराया जाता था कि मेंढक को पत्थर मारोगे तो गूंगी पत्नी मिलेंगी, कितना डरते थे तब, अब लगता है काश मार ही दिया होता। गॉड, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, मांगो जो मांगना है, मैं मेरी माँ को खुश कर दो बस। अचानक मेरे फोन के 2 टुकड़े हो गए। दोस्त, तुम रोज पीके जाते हो, भाभी कुछ कहती नहीं है क्या? मैं कहती है ना, कीड़े पड़ेंगे तुम्हारे दोस्तों को। 1995 की लड़कियां, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। 2020 की लड़कियां, साजन मेरा उस पार है, जल्दी से आजा वरना दूसरा तैयार है। जज बोला तुम तीसरी बार अदालत आए हो, शर्म नहीं आती? अपराधी बोला आप तो रोज आते हैं, आपको तो डूब के मर जाना चाहिए। क्या फायदा इतनी पढ़ाई करने का जब आखिर तक यही पता नहीं चले कि ससुराल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। कुछ लोग तो इतने पतले होते हैं कि मच्छर भी सोचता है खून लेकर जाओ या देकर। 2 महिलाएं एक पेड़ के नीचे खड़े होकर काफी देर से बात कर रही थी, अचानक पेड़ से एक आम गिरा। पहली औरत बोली अरे ये आम कैसे गिरा, दूसरी औरत कुछ बोलने ही वाली थी कि आम बोला भगवान के लिए अब चुप भी हो जाओ, मैं पक गया हूँ तुम्हारी बातें सुनकर। आजकल मैसेज या चैटिंग करते समय अगर सामने वाला हम लिखकर भेजे तो उसका मतलब होता है तुम्हारी इस बकवास का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हम तो बचपन से ही आत्मनिर्भर थे, जो
जब टीचर माता पिता की साइन करा के लाने को बोलते थे तो हम खुद ही करके दे देते थे। गांव में लाइट इतनी बार आती जाती है कि पंखा खुद ही भूल जाता है कि दाएं घूमना है या बाएं। पत्नी पेपर वेट की तरह होती है, पति को फड़फड़ाने तो देती है पर उड़ने नहीं देती। गुस्सा तो तब आता है जब बारात की गाड़ी में सबसे पहले जाके सीट रोक कर बैठो और जब गाड़ी चलने लगे तब घर वाले बोले, बेटा तू उठ जा जरा, फूफा जी को बैठ जाने दे। चाहे कितनी भी अंग्रेजी सीख ले, लेकिन अगर कुत्ता पीछे पड़ जाए तो हट हट ही कहना पड़ेगा। टीचर किताब खोलकर, हाँ तो बच्चों मैं कल कहाँ थी? एक बच्चा बोला, मैम कल आप गणित वाले सर के साथ चौपाटी पर बैठी थी। 8-9 लोग जुआ खेल रहे थे तभी पुलिस आ गई। एक जुआरी दौड़कर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस, तू अपने आप ही क्यों बैठ गया? जुआरी, पिछली बार भी मैं पकड़ा गया तो सीट नहीं मिली थी, खड़ा होकर जाना पड़ा था। संघर्ष पिता से सीखिए और संस्कार माँ से, बाकी कपड़े और बर्तन धोना तो पत्नी सिखा ही देगी। एक अमेरिकन ने एक भारतीय बच्चे से पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? बच्चे ने जवाब दिया, घर पर 13 साल, स्कूल में 12 साल, बस में 9 साल, ट्रेन में 7 साल और फेसबुक पर 18 साल। आज दवाई की दुकान में इनो लेने गया तो वो भी पूछ पड़ा, पेट के लिए चाहिए या केक के लिए? जो लौंडे टॉयलेट में बाप से छुप छुप कर गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, वो भी लड़की से कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो किस बात का डर है? 10 किलो शक्कर पर 10 रुपए बचाने के लिए बाजू वाले दुकानदार को छोड़कर 100 रुपए का पेट्रोल फूक कर मॉल से लाने वाली प्रजाति हमारे यहाँ ही पाई जाती है। नींद नहीं आती रात को, चैन नहीं आता दिन को। मैंने पूछा रब से, क्या यही प्यार है? रब बोला, नहीं बेटा, आजकल सभी का यही हाल है। गरीबी का आलम यह है कि एटीएम का 4 अंकों का पासवर्ड 3 अंकों के बैंक बैलेंस की रक्षा कर रहा है, पूरे 420 रुपए है। मैं, भाई मेरे मरने के बाद उसे बोल देना, मैं उससे बहुत प्यार करता था। दोस्त, पर तू तो सिंगल है। मैं, तो क्या हुआ, किसी भी हॉट लड़की को बोल देना, मेरी आत्मा को खुशी मिलेगी। कल रात मैंने उससे पूछा कि तुम्हें नींद ज्यादा पसंद है या मैं, आज सुबह 9 बजे उसका रिप्लाई आया, तुम। अब तो खैर लोग इतना नहीं रोते, वरना पहले लोग लड़की की विदाई के वक्त इतना रोते थे कि दूल्हा भी कह देता था, रख लो भाई नहीं चाहिए। मेहमान, बेटा आगे क्या करोगे? मैं, आपके जाने के बाद बिस्किट खाऊंगा, नमकीन आपने छोड़ी नहीं। हम जब भी कुछ खरीदते हैं तो MRP व एक्सपायरी डेट जरूर देखते हैं। चलिए एक नई आदत भी डाल ले, मेड इन इंडिया देखने की। आंटी, बेटा क्या कर रहे हो आजकल? मैं, आंटी साइंटिस्ट हूँ। आंटी, वाह क्या करते हो? मैं, बैठे बैठे ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता हूँ। 5 उंगलियाँ कभी बराबर नहीं होती, लेकिन खाने के लिए सब एक हो जाती है, चटोरी कहेगी। पानी में बैठी हुई भैंस और सीरियल देखने बैठी लड़की कभी जल्दी नहीं उठती। दिल्ली में गिरी बर्फ, ठंड बढ़ने की संभावना। बॉय, हाय। गर्ल, हाय। बॉय बोला, क्या नाम है तुम्हारा? गर्ल बोली, खुशी। बॉय, कहाँ रहती हो? गर्ल, मुंबई। बॉय बोला, पर मैंने तो सुना है खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। एक लड़की फोन पर बात करते हुए लिफ्ट में आई, मेरी तरफ देखकर हंसी और फोन पर अपनी सहेली से बोली, चल अब फोन रखती हूँ, लिफ्ट में एक शानदार हैंडसम लड़का आया है, देखती हूँ अगर कोई बात बनती है तो, बाय सी यू। मैं कुछ बोलता इससे पहले ही वह बोली, सॉरी अंकल, मेरी सहेली बहुत बातें करती है, मुझे फोन रखना था इसलिए झूठ बोलना पड़ा। भगवान की कसम, आज तक इतनी इज्जत से किसी ने बेइज्जत नहीं किया। कितने भी लोग बैंकों का पैसा लेकर भारत से भाग जाए, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र अभी भी आस्था चैनल वालों के पास ही है। चाचा लड़के से, बेटा तुम्हारा नोट गिर गया। लड़का, मैं आज भी गिरे हुए पैसे नहीं उठाता।
चाचा बेवकूफ, मैं तेरे सैमसंग नोट की बात कर रहा हूँ। लड़का कहाँ है, कहाँ है? किसी के पास एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड हो तो मुझसे गठबंधन कर लो, मुख्यमंत्री तुम ही रहोगे। सिर्फ तुम्हारी अनुपस्थिति में ही उप मुख्यमंत्री बनकर सत्ता संभालूंगा। जो लोग पेशाब करते हुए भी दीवार पर लगे कचरे को थार से बहाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों का भी स्वच्छ भारत अभियान में योगदान समझा जाएगा। एक बात पूछनी थी, प्रेमिका की तस्वीर को पर्स में रखने वाली प्रथा अब भी है या बंद हो गई है? बीवी, मेरे पुराने कपड़े डोनेट करूँ क्या? पति, फेंक दे क्या डोनेट करना? बीवी, नहीं जी, दुनिया में बहुत सी गरीब भूखी प्यासी औरतें हैं, बेचारे कोई भी पहन लेंगी। पति, तेरे नाप के कपड़े जिसको भी आ जाए वो भूखी प्यासी थोड़ी ना होगी। पत्नी बोली, यह कौन सा कानून है कि तुम्हें मैं ही खाना बनाकर दूंगी? पति, यह पूरे दुनिया का कानून है कि कैदी को खाना सरकार ही देती है। आज पता चला कि हिंदुस्तान के लोग दारू पीने से पहले छींटा क्यों मारते हैं, एरिया सैनिटाइज करते हैं। वाइफ, आपको अरेंज मैरिज और लव मैरिज का मतलब पता है? हस्बैंड, हाँ पता है। अरेंज मैरिज, आप जब चल रहे हो तभी अचानक से आपको सांप काट ले, ये अरेंज मैरिज है। और लव मैरिज, आप सांप खोजते हैं और उसके सामने नाच नाच के कहते हैं, ले काट ले, ले काट ले, लव मैरिज है। शराबियों को कभी शराब पीने के नुकसान मत बताना, वो आपको ऐसी पट्टी पढ़ाएंगे कि अगले दिन आप खुद ठेके पे मिलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि चैलेंज किसे कहते हैं, मैंने पूरा पेपर खाली छोड़कर लास्ट पेज पर लिख दिया, अगर हिम्मत है तो पास करके दिखा। गब्बर, कितने आदमी थे? सांबा, सरकार दो। गब्बर, मुझे गिनती नहीं आती, दो कितने होते हैं? सांबा, दो एक के बाद आता है। गब्बर, और दो के पहले? सांबा, दो के पहले एक आता है। गब्बर, और तो बीच में कौन आता है? सांबा, बीच में कोई नहीं आता। गब्बर, तो फिर दोनों एक साथ क्यों नहीं आते? सांबा, दो एक के बाद ही आता है, क्योंकि दो एक से बड़ा है। गब्बर, दो एक से कितना बड़ा है? सांबा, सुन कुत्ते, गोली मारनी है तो मार दे, तूने सिर्फ नमक खिलाया है, बादाम नहीं। गुप्ता जी की फेसबुक पर एक महिला से दोस्ती हुई और दोनों ने मिलने का विचार बनाया कि फला जगह पर फला काउंटर पर मिलेंगे, मैं अमरूद का जूस पीते हुए तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब जब गुप्ता जी काउंटर पर पहुंचे तो पता चला कि आज अमरूद का जूस नहीं है, तो मजबूरी में संतरे का जूस पीते हुए इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद महिला आई जो उनकी कल्पना में दिव्या भारती जैसी थी, पर वास्तव में वह टुन टुन जैसी निकली, तो गुप्ता जी ने देखकर अनदेखा कर दिया। अब वो महिला खुद ही पहुंची और बोली, आप वही हो ना जिनसे मिलने की बात हुई थी? गुप्ता जी, अंधी है क्या? ये तुझे अमृत का जूस दिख रहा है?